उदयपुर शहर में पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई में जो युवती कोरोना पॉजिटिव आई थी वह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आपको बता दें कि उदयपुर में 3 अलग अलग जगह पर पुलिस ने दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया था, जिसमें सुखेर थाना क्षेत्र में पकड़ी गई 4 युवतियों में से एक युवती कोरोना पॉजिटिव आई थी। इसके बाद डिप्टी SP चेतना भाटी, घंटाघर थाना अधिकारी भवानी सिन्हा, सुखेर थाना अधिकारी DP दादी सहित करीब 1 दर्जन से अधिक पुलिस जवानों की कोरोना टेस्ट करवाए गए थे। जांच अधिकारी भवानी सिन्हा ने बताया कि जो नेपाली लड़की कोरोना पॉजिटिव आई थी उसे जमानत मिल गई थी, उसके बाद वह दिल्ली चली गई। उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है, लेकिन हमने उसकी साथी को उसके कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना दे दी थी। हमने उस नेपाली लड़की को कोर्ट में पेश किया था, तो उसी दौरान उसकी जमानत हो गई थी। रिपोर्ट उसकी बाद में प्राप्त हुई थी, तब तक वो यहाँ से निकल चुकी थी। हमने उनको फोन ट्राई किया, फोन स्विच ऑफ था। हमने उसकी डिटेल्स भी मांगी है और उसके जो साथी मुलजिम जो उसके साथ में थी उनको हमने इन्फॉर्म किया कि वो महिला कोरोना पॉजिटिव आई है, तो उसको उस तक सूचना पहुंचावे। तो उन्होंने बताया कि हम दिल्ली पहुंच चुके हैं और उस तक किसी कॉमन फ्रेंड के माध्यम से सूचना पहुंचा चुके हैं।